जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूं। साथियों, धर्म सिखाने के बदले, कोई धर्म की कथा सुनाने के बदले या धर्म का कोई भी काम कराने के बदले में जो दक्षिणा ली जाती है, जो पैसा चार्ज किया जाता है, उसके बारे में भगवान बुद्ध के क्या विचार थे? हमें पता है कि भगवान बुद्ध या अरहंत हुए थे, सर्वज्ञ हुए थे। उन्होंने लोगों को धर्म का ज्ञान बांटा था और कहा था कि एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। और फिर उन्होंने सारे वर्ण के, जाति के, लिंग के लोगों को ये सुनाया था, पढ़ाया था, और वो हजार साल तक लगभग चलते रहा। और उसके बाद में धीरे धीरे ये शिक्षा कम होती गई। उसके पहले और उसके बाद में भी धर्म के नाम पर काफ़ी सारे गैरवर्तन चलते थे। धर्म के नाम पर पैसा लिया जाता था, वही प्रथा मौजूद थी। तो एक जो सूत्त है भगवान बुद्ध के वाणी का, उसे कहते हैं सुंदरिक भारद्वाज सूत्त। तो यह सुंदरिक भारद्वाज, ये एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ एक पुरुष होता है। ब्राह्मण अवस्था को पहुंचा नहीं है, लेकिन ये जन्म से खुद को ब्राह्मण कहता है। जैसे आज जो लोग ब्राह्मण खुद को कहते हैं, वो जन्म से है, वो कोई मुक्त हुए लोग नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो उस वक्त बुद्ध के पहले ऐसे ही चलन चला आ रहा था काफी सारी सदियों से। हालांकि ब्राह्मण का मतलब हुआ करता था कि जो लोग मुक्त हुए, सर्वज्ञ हुए, ज्ञानी हुए, बुद्ध हुए, अरहंत हुए। लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा भ्रष्ट हो गई और बुद्ध जब आए, उस वक्त यही प्रथा चलती थी कि ब्राह्मण का लड़का या लड़की ब्राह्मण हो, शूद्र के घर शूद्र जन्म ले। तो उस वक्त ये जो सुंदरिक भारद्वाज था, ये भगवान बुद्ध से इसने उपदेश सुना, उसकी आंखें खुल गई और उसे पता चल गया कि मैं तो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन भगवान जो है ये खुद प्रत्यक्ष ब्राह्मण है। तो वो कहता है ब्रह्मा ही सखी, आप साक्षात ब्रह्मा हो। और आगे जाकर वो बड़ा कृतज्ञ होकर उनको भोजन अर्पण करता है और उनसे विनती करता है कि भगवान प्लीज मेरा हव्य ग्रहण करें। तो भगवान उसे उत्तर देते हैं और कहते हैं कि गाथा विगित में अभोजनीय, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहते हैं वे कि मैंने जो गाथा सुनाई है, धर्म की जो बातें तुमको सुनाई है, जैसे आज हमारे यहाँ पर ऐसे हफ्ता हफ्ता भर के गाथा कथा सुनाने के प्रोग्राम्स लगते हैं, तो उसी तरह वो अपने धर्म का ज्ञान दे रहे थे। वो कहते हैं कि ये इसके बदले में मैं भोजन इस तरह से लेना अग्राह्य है, ये धर्म के खिलाफ है, ये धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। आगे वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, सम्यकदर्शी ज्ञानियों का यह धर्म नहीं है। जो सचमुच में ज्ञानी हो गए, अरहंत हो गए हैं, इनको धर्म सुनाने के, धर्म दान देने के बदले में कुछ खाना या द्रव्य लेना या संपत्ति लेना, ये ग्राह्य नहीं है, ये सही धर्म नहीं है। आगे कहते हैं कि गाथाओं के गायन से प्राप्त भोजन बुद्ध स्वीकार नहीं करते, और हे ब्राह्मण यही धार्मिक रीति है। तो साथियों, हम देखते हैं कि लोग छोटे मोटे धर्म के नाम पर काम करते हैं और उसके बदले में दक्षिणा ले लेते हैं बहुत बड़ी। आजकल तो ऑनलाइन भी शुरू हो गया है और यहाँ पर प्रदेश में भी ये सारा माहौल चलता है। जो NRI लोग आते हैं उनमें भी ये दक्षिणा देना और बड़ी धर्म के बदले में बड़ी फी ली जाती है। बड़े बड़े गुरु बाबा सारे ये धर्म के बदले में फी लेते हैं, और कुछ कुछ जगह पर तो कंपलसरी देना पड़ता है। आप काफी सारे मंदिरों में जाओ, वहां पर तो आपको फोर्स किया जाता है कि यहाँ पे कुछ डालिए, ये प्रसाद लीजिए, कंपलसरी कर देते हैं। मैंने तो ऐसे कुछ मंदिर देखे, खुद एक्सपीरियंस किया कि मैंने प्रसाद खरीदने के लिए ना की तो मुझे गाली गलौज की गई। कन्याकुमारी के मंदिर में कुछ ऐसे पंडे पुरोहित के यंगस्टर लड़के थे, उन्होंने मुझे गाली दी। तो ये हम देखते हैं कि कोई कथा सुनाता है, उसके बदले में उसको हजारों या कभी कभी तो लाखों रुपए भी आजकल लोग लेने लग गए हैं। और कुछ ऐसे बाबा है कि वो उस पर गर्व करते हैं कि हम इतना चार्ज करते हैं, उसके सिवा हम नहीं आएंगे, हमारा ही मंच लगाएंगे, हमको ऐसी साउंड सिस्टम चाहिए, ऐसा ही लाउड स्पीकर चाहिए और ऐसे लाइटिंग चाहिए, हमारे सामने इस तरीके के औरत यहाँ बैठेंगी, मर्द यहाँ बैठेंगे, इस तरीके का उनका एक माहौल जमा करते हैं और काफी सारा पैसा उससे लूटते हैं और काफी और चीजें भी करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध इस सूत्र में बताते हैं कि गीत गाकर भोजन प्राप्त करना धर्म के विरुद्ध बात है। सस्वर न भी हो, अगर आपका स्वर अच्छा ना भी हो तो भी
धर्म सिखाकर बदले में उसकी कीमत लेना, चाहे वो भोजन के रूप में हो या और किसी रूप में, यह अनुचित है। इससे धर्म का व्यवसाय हो जाता है और धर्म को व्यवसाय बना देना यह धर्म का अवमूल्यन करना है। और इसी बात को उन्होंने संक्षिप्त में कहा था पाली लैंग्वेज में, धम्मेन वणिचरे, मतलब धर्म का कहीं व्यवसाय न बना देना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट मैसेज था जो आज के लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म के शिक्षक बनते हैं, धर्म के प्रचारक बनते हैं, चाहे फिर वो कोई साधु हो या कथा सुनाने वाले गाने वाले ये कथाकार हो या भिक्कू हो या और भी कोई किसी बहाने धर्म का काम करने वाले जो क्लेम करते हैं कि हम धर्म का काम करते हैं, ऐसे लोग अगर लोगों से पैसा वसूलना शुरू करते हैं, लोगों को कंपल्शन करते हैं, आह्वान करते हैं पैसा देने का, तो ये धर्म के खिलाफ है। यही बात उन्होंने कही थी, धम्मेन न वणिचरे, कहीं धर्म को व्यवसाय न बना दिया जाए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से हमारी ये जो इतनी मौलिक परंपरा थी, मौलिक बात थी धर्म के बारे में, उसको किस तरीके से आज लोगों ने बर्बाद कर दिया और धर्म के नाम पर लोगों की लूट चलती है, अलग अलग तरीके के पाखंड कर्मकांड किए जाते हैं और लोगों को अगवा इसमें कंफ्यूज किया जाता है, डराया जाता है, उनको अलग अलग तरीके के उनको आमिष दिए जाते हैं कि आप अगर ऐसा कर दोगे, इतने पैसे दे दोगे, ये प्रसाद कर लोगे, ये व्रत कर लोगे, ये यज्ञ कर लोगे, तो आपको ऐसे इस तरीके से स्वर्ग मिल जाएगा या आपको नौकरी मिल जाएगी, काम हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो ये धंधा बन गया है और इसी बात को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और बुद्ध अरहंतों ने कहा था कि ऐसे बिल्कुल ना करना धर्म के क्षेत्र में। आशा करता हूँ कि दिस वीडियो मेक सेंस। अगर आपको पसंद है तो और लोगों से शेयर कीजिए और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद साथियों।